हेलो एवरीवन वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सिलेक्शन मेंटर हम लोगों की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उस सीरीज में आज हमारे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोग हमारे सीधे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन जुड़ सकते हैं ताकि आपके जो भी क्वेरीज हैं जो भी क्वेश्चन हैं जो भी आप फंसते हैं किसी क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग डायरेक्ट अपने मेंटर से जुड़ सकते हैं सिलेक्शन से, मेंटर कानपुर के नाम से है टेलीग्राम चैनल इवन आप लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी फॉलो करिए ठीक है जो कि आपका इंस्टाग्राम आई है और फेसबुक आई है ठीक है तो यहाँ से आपको कंप्लीट पूरा आपको पैकेज भी मिलेगा साथ ही साथ आपको पूरा प्रॉपर तरीके से गाइडेंस भी मिलेगा कैसे आपको एग्जाम को अपना क्रैक करना है तो देर ना करते हुए हम लोग मूव करते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ क्लियर स्काई इज ब्लू बिकॉज यानी कि जो साफ आसमान है वो हमें नीला दिखाई देता है क्योंकि ब्लू लाइट हैज बीन एब्सॉर्ब यानी कि जो नीला प्रकाश है इसका अवशोषण होता है इस कारण से रेड लाइट स्कैटर्ड मोर देन ब्लू लाल प्रकाश का प्रकीर्णन नीले प्रकाश की तुलना में ज्यादा होता है रेड लाइट एब्जॉर्ब एंड ब्लू लाइट स्कैटर्ड लाल रंग का प्रकाश जो है ये अवशोषित हो जाता है और ब्लू लाइट जो नीले रंग का प्रकाश है इसका प्रकीर्णन होता है एंड ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन रेड यानी कि नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन लाल की तुलना में ज्यादा होता है तो अब यहाँ पर हमें अपना आसमान नीला क्यों दिखाई देता है इसकी अगर हम बात करें तो हम लोगों का जो एटमोस्फियर है यानी कि हमारा जो वायुमंडल है ठीक है और एटमॉस्फेयर की अगर हम लोग बात करें तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं ठीक है गैसेस की डिफरेंट लेयर्स हैं और इवन इनका परसेंटेज भी अलग है जैसे कि नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितनी है 78 परसेंट है सेकंड सेकेंड नंबर पर अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारा कितना है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर देखा जाए तो ट्वेंटी है 95% है जिसको कि 21 कहा जाता है 21% थर्ड नंबर पर हमारी ऑर्गन है ऑर्गन जो कि इनर्ट गैस है लेकिन है तो गैस और इसकी अगर बात करें इसके परसेंटेज की अगर बात की जाए तो ये हमारा प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में 0.93% और वहीं ऑर्गन के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट नंबर पर देखें तो फोर्थ नंबर पर एक कंपाउंड गैस प्रेजेंट है जो कि हैवीएस्ट गैस ऑफ द एटमोसफियर है यानी कि हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस है ठीक है तो सीओ टू का परसेंटेज कितना होता है तो पॉइंट जीरो थ्री नाइन परसेंट ठीक है तो जिसको कि हम लोग पॉइंट जीरो थ्री परसेंट मानते हैं तो ये डिफरेंट गैसेस हैं और गैसेस हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स भी हैं यानी कि अणु भी हैं और अणुओं की अगर हम लोग बात करें तो जब भी कभी व्हाइट लाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश या लाइट अगर इस पर पड़ती है तो किसी भी पार्टिकल पर पड़ेगी तो उसका पाथ क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और पाथ अगर चेंज होगा तो वो दूसरे पार्टिकल से तक करके फिर से इसमें पाथ चेंज होना है और इस वजह से होता है क्या स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन होता है और प्रकृर्णन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऐसा तो है ना कि बस खाली दो चार मॉलिक्यूल है हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और जो सनरेज़ है सनरेज़ में जो हमारा बैंडविथ है विजिबल रेडिएशन का यानी कि दृश्य प्रकाश का जो है ये हमारा कितना होता है 400 नैनोमीटर ठीक है नैनोमीटर में अगर बात करेंगे तो टू 700 नैनोमीटर टू कि 400 नैनोमीटर से नैनो है, है, यानी कि नैनोमीटर प्रकाश में आता है और वहीं में बात करें, तो ये हो जाएगा फोर थाउजेंड एंगेस्ट्रॉम टू सेवन थाउजेंड एंगेस्ट्रॉम अब इसमें भी हमें रेनबो कब नजर आता है जब बारिश का समय होता है तो बारिश के समय पर जो वाटर ड्रॉप्स होती है यानी कि वर्षा की बूंदें होती हैं ये क्या काम करती है ये लाइट बीम को उनको डिस्पर्जन का काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ लाइट क्या हो जाती तो हो जाती जाती है विभक्त यानी कि टूट जाती है अपने अलग अलग विभिन्न वेवलेंथ के आधार पर तब हमें मिलता है रेनबो ठीक है और यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं इनका स्पेरिकल शेप किसके कारण होता है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है तो वर्षा की बूंदों का जो स्फेरिकल शेप है कुछ ऐसा ये किसके कारण होता है तो ड्यू टू द सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ठीक है सरफेस टेंशन के कारण हमें वर्षा की बूंदे स्फेरिकल शेप में दिखती हैं तो अब यहां पर बात हो रही है कि हमारा जो आसमान है वो नीला क्यों दिखाई देता है क्योंकि जो ब्लू लाइट है ब्लू लाइट की अगर हम लोग बात करें तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है रेड के कंपैरिजन में शॉर्टर होती है और शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से इसकी स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन ज्यादा होता है और इसी कारण से हमें आसमान नीला दिखाई देता है तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन रेड ठीक दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट है यानी कि अंतरिक्ष यात्री हैं अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान कैसा दिखाई देता है तो वहां पर कैसा होगा तो वहां पर उनको नजर आता है ब्लैक ब्लैक क्यों नजर आता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर अगर हम स्पेस में देखें अपनी गैलेक्सी में देखें तो वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है वायुमंडल नहीं है और अगर वायुमंडल नहीं है तो पार्टिकल्स नहीं है और पार्टिकल्स नहीं है तो वहां पर लाइट की स्कैटरिंग कभी भी नहीं होने वाली इसीलिए एस्ट्रोनॉट को इस जो आसमान है वो कैसा नजर आता है ब्लैक नजर आता है जबकि हम लोगों को पृथ्वी से अपना आसमान ब्लू दिखाई देता है क्यों क्योंकि ब्लू लाइट का प्रकीर्णन ज्यादा होता है रेड के कंपैरिजन में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्साइटमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज बाई यानी कि मानव शरीर में उत्तेजना किसके कारण होती है ठीक है तो यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि ग्रंथी ग्लैंड लार ग्रंथि थायराइड ग्लैंड यानी कि ग्रंथि ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष तो देखिए एक्साइटमेंट की बात हो एक्साइटमेंट यानी कि खुशी यानी कि हार्ट रेट तेज होगा और जब हार्ट रेट अगर तेज हो रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो इसके लिए हमेशा जो ग्लैंड काम करती है वो आपकी है एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि इसका राइट आंसर होगा क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है हमारा एड्रीन हार्मोन ठीक है कौन सा हार्मोन? एड्रीन हार्मोन रिलीज होता है और एड्रीन हार्मोन को हम लोग फ्राइट फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं ठीक है फ्राइट फ्लाइट एंड फाइट हिंदी में इसको कहा जाता है क्या कि डरो लड़ो उड़ो या डरो लड़ो भागो हार्मोन आपके किसी भी तरीके का डर लगता है आपको किसी चीज से चाहे वो अंधेरे से हो चाहे मरने से हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है डरने के लिए एड्रीनल हॉर्मोन या एड्रीनलिन हॉर्मोन ठीक है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है फ्लाइट विपरीत परिस्थिति में कहीं से खिसकना है बैठे हुए बगल में सांप देखा खिसक गए डर के मारेगी कहीं काट ना ले तो विपरीत परिस्थिति में कहीं से भागना ठीक है और कहीं फंस गए हैं चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है तो वहां पर अपने अस्तित्व के लिए आप लड़ेंगे तो फाइट तो तुरंत गुस्सा आने के लिए भी जिम्मेदार जो हार्मोन है वो भी एड्रीनलिन हार्मोन है जो की एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है तो ह्यूमन बॉडी में जो एक्साइटमेंट यानी कि उत्तेजना होती है किसी भी चीज के प्रति उत्तेजना होती है ठीक है उत्तेजना की बात की जाए तो बहुत सारी चीजों की उत्तेजनाएं होती हैं ठीक है इंट्यूशन इंट्यूशन नहीं उद्दीपन होते हैं तो उन सब के लिए उत्तेजना चाहे वो सेक्सुअल या अपोजिट सेक्स के लिए हो ठीक है किसी भी चीज के लिए हो तो एक्साइटमेंट है किसी चीज को सुन करके कोई खुशी महसूस हुई तो हम एक्साइटमेंट में बहुत हंसने लगते हैं खुश हो जाते हैं प्रसन्न चित्त हो जाते हैं तो इन सब के लिए एड्रिनल ग्लैंड ही रेस्पॉन्सिबल होती है जो कि एड्रीनल इन हॉर्मोन को रिलीज करती है आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है हाइड्रोफोबिया इज कॉज बाय देखिए हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया यानी कि हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया मतलब डरना तो पानी से डर किस कारण से होता है लॉस ऑफ द वॉटर यानी कि पानी के ह्रास के कारण मेंटल टेंशन यानी कि दिमाग में अगर आपको काफी टेंशन है मेंटल टेंशन के कारण किसी चीज को लेकर के बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा या वायरस विषाणु के द्वारा तो देखिए हाइड्रोफोबिया वैसे ठंडियों में आप में से कई लोगों को हाइड्रोफोबिया हो जाता है जो कि पानी छूते नहीं है बस अगर छू लिया या देख लिया तो मतलब स्नान कर लिया ठीक है तो वो हाइड्रोफोबिया यहां से रिलेट नहीं कर रहा है हाइड्रोफोबिया का मतलब है यहां पर रेबीज से ठीक है रेबीज की अगर हम लोग बात करें हैं, तो रेबीज क्या है एक वायरल इंफेक्शन है विषाणु जनित रोग है जो कि कुत्ते या बंदर के काटने के कारण होता है क्योंकि इनके सलाइवा में रेबीज वायरस रहता है और इसके कारण से पानी देख करके व्यक्ति को डर लगता है जिसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया तो रेबीज वायरस के थ्रू ये कॉज होता है तो यहां पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी यानी कि वायरस के थ्रू ये फैलता है ठीक है क्लियर और रैबिस जो है रैबिस का जो वायरस का नेम है दैट इज रैबिडो वायरस रैबिडो वायरस के थ्रू रैबिस फैलता है ठीक है अगला प्रश्न है हमारा द लिक्विड दैट कम्स आउट ऑफ द रबर ट्री इज कॉल्ड यानी कि जो रबर का पेड़ होता है उससे जो द्रव निकलता है उसको क्या कहते हैं ऑप्शन है मिल्क लैक्टोज सिलिकॉन या लेटेक्स ठीक है तो आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ पेड़ होते हैं जैसे कि आप बात करें बनिया ट्री की यानी कि बरगद की या पीपल की बात करिए तो कभी भी इनकी पत्ती अगर आप तोड़ते हैं तो उनसे एक व्हाइट सब्सटेंस बाहर निकलता है तो वैसे ही व्हाइट सब्सटेंस रबर के प्लांट में भी निकलता है और रबर के प्लांट में क्या किया जाता है उसको उसकी स्किन को रिमूव किया जाता है और यहाँ पर एक कलेक्शन ट्यूब लगा करके इसको कलेक्ट कर लेते हैं और इसी रबर से क्या बनाया जाता है रबर का इस्तेमाल इसको पॉलीमराइज करके आपके व्हीकल्स के टायर्स बनाए जाते हैं इरेजर जो आप लोग यूज करते हैं इवन बहुत से लोग सेक्सुअल सेक्स uh, के दौरान कॉन्डोम्स यूज करते हैं वो भी इसी से बनाया जाता है रबर्स ठीक है इवन इसके अलावा अगर देखा जाए तो अः uh, बहुत सी जगहों पर वॉशर्स या कहीं पर लीकेज को प्रूफ करने के लिए जो वॉशर्स लगाए जाते हैं रबर के या ट्यूब्स होते हैं ठीक है क्लियर ये सभी चीजें आपकी किससे बनाई जाती हैं रबर से और ये इसी रबर प्लांट से ही निकलता है तो रबर प्लांट से जो कंपोनेंट निकलता है वो क्या है तो लैक्टोज तो यहां सीधे सीधे गलत ऑप्शन हो जाएगा क्यों गलत ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोज क्योंकि लैक्टोज क्या है इट इज अ शुगर मॉलिक्यूल ठीक है क्लियर जो चीनी आप लोग खाते हो वो आपकी क्या कहलाती है लैक्टोज ठीक है लैक्टोज की अगर बात करें तो वो सुक्रोज होता है लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क शुगर ठीक है सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन इज अ सेमी कंडक्टर यानी कि ये एक अर्ध चालक है जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है मिल्क हम लोग इसको कह नहीं सकते तो बच्चा क्या आंसर लेटेक्स तो रबर प्लांट से जो हमें रबर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लेटेक्स कहते हैं और यही लेटेक्स हम लोग इसको पॉलिमराइज करके डिफरेंट जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो राइट right आंसर होगा लेटेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन वैल्यू ऑफ द वेजिटेबल इज लॉस्ट मोस्ट बाय यानी कि सब्जी की प्रोटीन सबसे अधिक कब नष्ट होती है आप कितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स खा लीजिए ठीक है लेकिन अगर उसका पकाने का तरीका सही नहीं है तो उसमें से जो कंपोनेंट है जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो 100 परसेंट है क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जानी है यानी कि घट जानी है ऑप्शन है बाय फ्राइंग बेकिंग बॉइलिंग या स्टीमिंग यानी कि फ्राई करने पर ठीक है बेक करने पर बेकिंग जानते होंगे आप लोग आग में तपाना ठीक है बॉइलिंग उबालने पर या स्टीमिंग पकाना तो कभी भी आप लोग किसी भी वेजिटेबल को या कोई भी आप प्रोटीन सोर्स अगर कंज्यूम कर रहे हैं और उसको अगर आप फ्राई कर रहे हैं यानी कि फ्राई करते हैं तो फ्राई करने से हमेशा प्रोटीन वैल्यू वेजिटेबल्स की क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है आप लोग इस समय बाहर बहुत खाते हो ठीक है आप में से कई लोगों ने देखा होगा पार्टीज अटेंड करते हो तो वेजिटेबल्स को पहले फ्राई किया जाता है ताकि उसका टेस्ट इनहेंस हो जाए लेकिन फ्राइंग के थ्रू क्या होता है उसकी प्रोटीन वैल्यू रिड्यूस हो जाती है और आप कितना भी खा लीजिए खाना स्वाद में तो अच्छा लगेगा लेकिन आपको सेहत में वो कभी भी फायदा नहीं करने वाला ठीक है तो बाई द फ्राइंग ऑफ द वेजिटेबल हंड्रेड क्या होगा कि प्रोटीन रिड्यूज हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉटन फाइबर इज ऑप्टेड फ्रॉम यानी कि कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है ऑप्शन स्टेम या सीड देखिए आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि कॉटन जो है यानी कि कपास जो है ये आपका कहां पर होता है जो कॉटन प्लांट होता है और कॉटन प्लांट में जब फ्लावरिंग होती है उसके बाद आप लोग देखते हैं कि इसका जो अंदर का पार्ट ये ओपन हो जाता है जिसमें कि सीड्स सीड्स होते हैं और के चारों तरफ कॉटन फाइबर क्या होता है रहता है यानी कि अच्छे से गुथा हुआ रहता है ठीक है तो ये आपका ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें कि गर्मियों के समय में पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है और एयर पॉलिनेशन में उनमें कुछ रेसे होते हैं और वो उड़ते रहते हैं ठीक है तो वैसे ही आपका कॉटन के साथ भी है और कॉटन फाइबर हमें हमेशा किससे मिलता है सीड से ही मिलता है ठीक है और कॉटन फाइबर को रि निकालना यानी कि कलेक्ट करना क्या कहलाता है यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है ठीक है द कलेक्शन ऑफ द कॉटन फाइबर इज नोन एज यानी कि कपास के रेशे का इकट्ठा करना क्या कहलाता है तो ये कहलाता है आपका गिनिंग जी आई डबल एन आई एन जी गिनिंग कहलाता है यानी कि जिसमें कि बीजों को हटाया जाता है और कपास के रेशों को रखा जाता है और कॉटन का जो स्टैंडर्ड फाइबर जो आपके क्लोथ्स के या फाइबर्स को बनाने में यूज होता है तो वो आपका कितना होता है उसकी लेंथ होती है नाइन इंचेज यानी कि अगर नाइन इंचज का अगर आपका कॉटन फाइबर है तो वो एक स्टैंडर्ड फाइबर है और उसके आपको रेट भी अच्छे मिलते हैं किसानों को रेट भी अच्छे मिलते हैं और साथ ही साथ कॉटन सबसे ज्यादा कहां पर उगाया जाता है किस सॉयल में तो वो आपका कौन सा है जो ब्लैक सॉयल होती है यानी कि काली मिट्टी होती है और ये हमेशा ज्वालामुखी उद्गार की वजह से बनती है और इंडिया में अगर देखा जाए तो जो हमारा साउदर रीजन है खासतौर पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु का वहां पर काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है और वहीं पर क्या होता है कॉटन की खेती भी सबसे ज्यादा की जाती है और अगर इसी कॉटन के फली में कोई इंसेक्ट लग जाएगा तो ये उसके फाइबर को भी क्या कर देता है ब्रेक कर देता है और अगर कॉटन फाइबर हमें नाइन इंचेस का ना मिल करके उससे कम का मिल रहा है उसके टुकड़े हो गए हैं तो उसके रेट कभी भी फार्मर्स को अच्छे नहीं मिलने वाले हैं इस वजह से क्या होता है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप भी बनाई गई है यानी कि जीनी रूप से परिष्कृत एक फसल बनाई गई है जिसका नाम क्या है बीटी कॉटन ठीक है बीटी कॉटन ये वो प्लांट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप है ठीक है और इसमें कीड़े क्या होते हैं अगर कपास को खाने की कोशिश करते हैं तो वो खुद मर जाते हैं और ये किसानों के लाभ के लिए डेवलप किया गया है और ये सी की जो लेबोरेटरी है उसके थ्रू ये आपका डेवलप किया गया है ठीक है तो यहां पर क्या होगा कि कॉटन फाइबर किससे प्राप्त होता है तो सीड से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉसल्स आर पेट्रीफाइड प्लांट एंड एनिमल्स बरीड अंडर रॉक्स एंड अर्थ विच रिवील यानी कि जो जीवाश्म है जीवाश्म चट्टानों और पृथ्वी के नीचे दबे हुए पौधे और जानवर हैं जो प्रकट करते हैं मतलब क्या प्रकट करते हैं ये क्या रिवील करते हैं ऑप्शन हैं आपके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन यानी कि उद्विकास की विभिन्न आपकी जो स्टेजेस हैं ठीक है थीके? या सोपान है उनको दर्शाते हैं सेकेंड है एक्शन ऑफ अर्थ ऑन एनिमल यानी कि पृथ्वी का जंतुओं के ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है कैपेसिटी ऑफ अर्थ ऑफ प्रिजर्विंग एनिमल यानी कि पृथ्वी की वो क्षमता कि वो जीवों को क्या कर सके सुरक्षित या संरक्षित कर सके या नन ऑफ द तो देखिए हम लोग जब भी कभी डिगिंग करते हैं यानी कि अर्थ क्रस्ट मतलब भू परपाटी को जब भी खोदते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलते हैं वहां पर दबे हुए कुछ फॉसल्स मिलते हैं ठीक है लिविंग फॉसल्स ठीक है या नॉन लिविंग फॉसल्स हर तरीके के चट्टानों के नीचे मिलते हैं और खास तौर पर हमें मिलते हैं किन के नीचे तो जो हमारी सीडीमेंट्री रॉक्स हैं ठीक है सीडीमेंट्री रॉक्स यानी कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग अवसादी चट्टाने जो हैं अवसादी चट्टानों के नीचे ही हमें क्या मिलते हैं फॉसल्स मिलते हैं और इनको जब हम लोग ढूंढते हैं या हमें खुदाई में मिलते हैं तो उससे हमें यह पता चलता है द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन यानी कि उद्विकास की विभिन्न सोपानों के बारे में पता चलता है कि पहले कैसे जीव हुआ करते थे फिर उनमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ फिर उसके बाद कैसे हुए और आज हम लोग हैं और शायद आगे चल करके फिर कभी कुछ अगर नेचुरल कैलामिटी हुई प्राकृतिक आपदा हुई तो हो सकता है कि मनुष्य प्रजाति भी दब जाए और फिर कभी अगर कुछ होगा तो खुदाई में हम लोग मिलेंगे एज ठीक है तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ को ही दर्शाते हैं जो हमारे जीवाश्म होते हैं अगला प्रश्न है हमारा डायबिटीज इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ यानी कि मधुमेह किसकी कमी से होता है ऑप्शन हैं आपके विटामिन सी विटामिन ए इंसुलिन या कैल्शियम तो देखिए मधुमेह रोग कब होता है मधुमेह रोग तब होगा जब हमारे रक्त में सर्करा की मात्रा अधिक हो जाएगी और हमारे रक्त में सर्करा की मात्रा अगर देखा जाए तो वो कितनी है 120 ट्वेंटी एम पर लीटर के अकॉर्डिंग हमारे ब्लड में क्या होनी चाहिए सर्करा की मात्रा होनी चाहिए ठीक है तो अगर डायबिटिक पेशेंट की बात करी जाए जैसे आप लोग देखते होंगे आपके एक सर्वे के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया में हर पांचवा व्यक्ति आज के समय पर क्या है डायबिटीज का शिकार है और डायबिटीज क्यों है उसके लाइफ स्पम यानी कि उसके लिविंग हैबिट के कारण और इस लिविंग हैबिट में अगर देखा जाए तो फास्टिंग देखा जाता है जो कि आपका सेवेंटी टू हंड्रेड होना चाहिए फास्टिंग सुगर लेवल और आफ्टर ब्रेकफास्ट यानी कि ब्रेकफास्ट के डेढ़ घंटे बाद चेक किया जाता है और वो आपका 100 टू 150 होना चाहिए अगर ये रीडिंग्स मिल रही हैं शुगर लेवल चेक होने में तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को डायबिटीज बिल्कुल भी नहीं है ठीक है और अगर इससे बढ़ा हुआ है तो 100 परसेंट है कि वो व्यक्ति क्या है डायबिटिक है है और डायबिटीज दो तरीके का होता है। एक तो हाइपरग्लाइसीमिया दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया एक में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा और दूसरे में ब्लड शुगर लेवल कम तो इस आधार पर देखें तो रुधिर में सर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है एक हमारा हॉर्मोन है जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन जो कि हमारा अग्नाशय यानी कि जो हमारा पैंक्रियाज है अग्नाशय में इसलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स प्रेजेंट होती है और उनकी बीटा कोशिकाओं के द्वारा यानी कि बीटा सेल्स के द्वारा क्या निकलता है इंसुलिन का श्रावण होता है और यही इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है अगर इसकी मात्रा में कुछ भी परिवर्तन होगा तो हमें मधुमेह रोग हो जाएगा ठीक तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अ डिटर्जेंट इज यानी कि एक डिटर्जेंट क्या है सोप साबुन ड्रग यानी कि दवा कैटलिस्ट उत्प्रेरक या क्लीनिंग एजेंट तो हम सभी लोग जानते हैं कि डिटर्जेंट का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट के रूप में यानी कि वो सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डिटर्जेंट के केस में अगर देखा जाए तो ये आपका एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि कैटलिस्ट या ड्रग बिल्कुल नहीं है सोप बनाने के लिए डिटर्जेंट को खासतौर पर जो आपका कास्टिक सोडा है कास्टिक सोडा को जब फैट के साथ बॉयल किया जाता है वसा के साथ उबाला जाता है तब बनता है सोप और साबुन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है सेपोनिफिकेशन यानी कि साबुनीकरण और कभी भी अगर हमारा हार्ड वाटर है यानी कि कठोर जल है तो कठोर जल में ना ही सोप ना ही डिटर्जेंट कभी भी घुलने नहीं वाला कभी भी झाग नहीं देगा और उससे कभी भी कपड़े साफ नहीं होंगे और ये कैल्शियम मै और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका क्लोराइड और सल्फेट आयनों के कारण होता है वॉटर में हार्डनेस ठीक है तो यहां पर डिटर्जेंट क्या है इट इज अ क्लीनिंग एजेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हुइच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉफी ड्रिंक कॉफी पेय को बनाने में पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है ऑप्शन है सीड फ्रूट लीफ या स्टेम यानी कि तना पत्ती फल या बीज तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो कॉफी बीन्स होते हैं कॉफी बीन्स को ये क्वेश्चन में पी बेरी के नाम से भी पूछा गया है ठीक है कॉफी बीन्स को क्या कहा जाता है पी बैरी भी कहा जाता है तो पी बैरी आपका क्या है सीड जो आप लोग सुनते भी होंगे बहुत से लोग बॉडी को डिटॉक्सिफ़िक डिटॉक्सिफाई करने के लिए कॉफी का इस्तेमाल करते हैं एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें लेकिन यहां पर ग्रीन कॉफी भी लोग पीते हैं लेकिन अगर उन्हीं सीड्स को रोस्ट कर दिया जाए भून दिया जाए और उसके बाद उसको क्रश किया जाए तो बनता है कॉफी पाउडर जो कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में चाहे वो ब्रू हो चाहे नेस्कैफे हो इसमें से आप लोग इस्तेमाल करते तो वो भूना हुआ कॉफी बीन क्रश जो होता है ठीक है तो कॉफी जो है कॉफी पे किससे बनाया जाता है तो सीड के द्वारा बनाया जाता है यानी कि ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज हार्व इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी यानी कि यदि किसी पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी ठीक है तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम पी स्क्वायर ठीक है और यहां पर पूछ क्या रहा है यदि गतिज ऊर्जा को आधा कर दिया जाए तो यहां पर उसका जो वेग है उसका वेग में क्या परिवर्तन होगा ठीक है ऑप्शन है बिकम वन फोर्थ यानी कि एक चौथाई हो जाएगा मतलब एक बटे चार हो जाएगा रिमेन अनचेंज यानी कि कोई परिवर्तन नहीं आएगा बिकम हाफ यानी कि वन बाई टू हो जाएगा या बिकम डबल यानी कि दुगना हो जाएगा तो यहां पर जब इस फॉर्मूले में आप रखेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रही है ठीक है अगर वेलोसिटी को क्या किया जा रहा है आधा किया जा रहा है यानी कि हाफ किया जा रहा है तो गतिज ऊर्जा जब यहां पर आप वन बाई टू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर वन फोर्थ आएगा ठीक है इस तरीके से अगर देखें तो बिकम वन फोर्थ यानी कि यदि किसी पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा एक चौथाई हो जाएगी ठीक है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा अगला प्रश्न है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन इज यानी कि एक व्यक्ति का सामान्य तापमान क्या होता है ऑप्शन है 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए जब भी कभी आप लोग अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि शरीर के तापमान को जो हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं यानी कि डॉक्टरी तापमापी का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग कहते हैं कि 104, 105 बुखार आया 103 बुखार आया तो वो कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं होता वो किस स्केल में होता है हमेशा फॉरेनहाइट स्केल में होता है ठीक है और फारेनहाइट स्केल के आधार पर हम लोग देखें तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस ठीक है और यहां पर ऑप्शन में 98.6 नहीं दिया हुआ है और तो इसके समीप का अगर देखें तो 98.4 डिग्री फारेनहाइट बी इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है और फीवर आने पर हमेशा क्या होता है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है ठीक है तो 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर लाइक डिसऑर्डर ऑफ अनचेक्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज टर्मड एज यानी कि रक्त कोशिकाओं के अनियंत्रित गुणन के कैंसर जैसा विकार होता है उस विकार को क्या कहा जाता है ठीक है तो यहां पर है आपका एग्रेन्यूलोसाइटोसिस एनीमिया ल्यूकीमिया या ल्यूकोपीनिया। तो जब भी कभी यहां पर बात हो रही है कि जब भी कभी सेल डिवीजन यानी कि सेल्स में हमेशा डिवीजन होता है यानी कि कोशिका में विभाजन होता है और अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगा तो ये क्लंप बना लेती है और क्लंप की वजह से फिर उसके बाद क्या होता है उनका प्रॉपर न निर्माण होने की वजह से उनमें मैलेग्नेंसी आ जाती है सड़न पैदा हो जाती है और ये लीड करता है किसको कैंसर को ठीक है किसको लीड करता है कैंसर को लीड करता है तो ब्लड सेल से संबंधित अगर कैंसर है तो उसको क्या कहा जाता है तो यहां पर पहला ऑप्शन लिखा हुआ है एग्रेन्युलोसाइटोसिस तो डब्ल्यू हमारी दो तरीके की होती है श्वेत रक्त कणिकाएं एक तो ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी ए ग्रेनुलोसाइट तो जो ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस है तो ये तो कत्ता ही नहीं होगा एनीमिया होता है खून की कमी यानी कि रक्ताल्पता अगर आपके शरीर में आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो हंड्रेड है कि आपके शरीर में खून की कमी होगी और एनीमिया डिसीज कॉज क्या ठीक है तो अगर ब्लड में कैंसर है तो ब्लड कैंसर को कहते हैं हम लोग ल्यूकीमिया यानी कि सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन टोबैको इज तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक पदार्थ है तो कौन सा पदार्थ जो तंबाकू में पाया जाता है दैट इज स्मोक धुआं मॉर्फिन एंजाइम या निकोटीन तो सभी लोग जानते हैं ठीक है कि तंबाकू में क्या पाया जाता है कौन सा केमिकल सब्सटेंस टॉक्सिक जो होता है वो निकोटीन होता है ठीक है तो निकोटीन जो है ये क्या करता है जैसे बहुत से लोगों को एडिक्शन हो जाता है इसका तो वो वो किस लिए क्योंकि जब भी कंज्यूम करते हैं तो निकोटीन ब्लड में पहुंचा और उसकी वजह से ये ब्रेन में पहुंच करके के रिलीज को बढ़ाता है और डोपामीन को ही हम लोग क्या कहते हैं हमारा हैप्पी हॉर्मोन भी कहा जाता है तो इंसान को एडिक्शन हो जाता है तो टोबैको कंजम्पशन या एल्कोहल कंजम्पशन से उसके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है और उसको खुशी महसूस होती है ठीक है तो ये निकोटीन जो टॉक्सिक कंटेंट है ठीक है तो इसका राइट right आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेम ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट्स इट आल्सो हेल्प्स इन तो पौधे का जो तना है वो पौधे के सभी भागों में भोजन वितरित करता है ठीक है और ये और किस चीज में मदद करता है स्टोरिंग फूड भोजन के को एकत्र करने में शेपिंग प्लांट यानी कि पेड़ पौधे को आकृति प्रदान करने में रेस्पिरेशन श्वसन में या थ्रोइंग आउटसाइड यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने में तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वृक्ष है हमारा यानी कि पेड़ है पेड़ में अगर तना है तो तने के अंदर अगर हम लोग देखें तो प्लांट के जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं स्थायी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इसमें परमानेंट टिश्यूज में आपके आते हैं जाइलम और फ्लोयम ठीक है और फ्लोयम और वही इसी में जो दूसरे हैं आपके वो होते हैं कैम्बियम जो कि वार्षिक वलय का निर्माण करते हैं जिसको गिन करके हम किसी भी वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं काटने के बाद पे ठीक है तो यहाँ पर जो प्लांट टिश्यूज हैं जाइलम क्या करता है वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है यानी कि पानी का परिवहन करता है फ्लोयम जो है ये भोजन का परिवहन करता है ठीक है पत्तियों में जो भी भोजन बना है उसको ला करके जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन कर, करता है तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो पौधे का तना है या पेड़ का तना है ये न्यूट्रिय पहुंचाने के साथ साथ या भोजन को वितरित करने के साथ साथ और क्या करता है आप लोग देखते हैं कि पेड़ जितना पर, पुराना उतना ही धीरे धीरे वो क्या होने लगता है ठीक होने होने लगता है, मोटा होने लगता है है मोटा और साथ ही साथ अगर देखिए तो उनमें स्टोरिंग ऑफ फूड यानी कि भोजन के एकत्रण का भी काम करता है ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा ए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए Thank you.